What's up guys? कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सभी लोगों को एक और न्यू वीडियो में। और ये वाला वीडियो किस चीज के ऊपर है इसके बारे में आपको पूरी आइडिया है और 100% आइडिया है। और आप लोगों को ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही क्लियर क्वेश्चन एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि आप ये बताओ कि कोई चीज फिक्स हुई है या कोई कुछ न्यू चीज आई है या सब वैसे ही है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं उसी चीज का आंसर देना चाहता हूँ। भाई कुछ फिक्स नहीं हुई है, बहुत ही कुछ अलग सी चीज है ना ऊपर हमारे ऊपर आ गई है, बग्स टाइप का चीज है और यूजिंग एक्सपीरियंस बेकार हो चुका है। तो अभी आते हैं मेरी इनिशियल रिव्यू पे, जिसको देख के आपको पता चल जाएगा कि Realme X2 में 11.f. जो 19 है ये आप बेसिकली कैसा काम कर रहा है। बाय द वे अभी भी Realme X2 से रिकॉर्डिंग चल रही है और रिकॉर्डिंग की क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे, ओपन कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रही है। नॉर्मल कैमरे में माइक का सपोर्ट हट चुका है, पता नहीं क्यों, बट ये अभी सही काम कर रहा है। तो अभी हर एक स्टैट बताते हैं आपको, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा है ये वाला अपडेट। लेट्स गो। सबसे पहले जो मेन बग्स मुझे देखने को मिला वो है भाई ह्यूज कैमरा लैग। भाई कैमरा में जो अजीब तरह का एक लैग हो रहा है, सबसे पहले इस बार इसके जो पिछले वाले अपडेट था वहाँ पे हमें कैमरा को ओपन करने के बाद ही एक और टाइप का लैग देखने को मिलता था, उसके बाद कैमरा थोड़ा सा फिक्स हो जाता था, उसके बाद हम आराम से फोटो वगैरह क्लिक कर पाते थे, थोड़ा स्टेबल वाला एक्सपीरियंस था। पर अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, कैमरा को ओपन करने के बाद पहला लैग तो हो ही रहा है, उसके बाद जितनी सारी टैब आप चेंज करोगे, लाइक कैमरा से वीडियो में जा रहे हो, वीडियो से प्लेलिस्ट में जा रहे हो, जहाँ पर भी जा रहे हो भाई, और टाइप का एक लैग फीलिंग हो रहा है और भाई वो ओपन होने में भी टाइम लग रहा है और इसके चलते प्रोसेसिंग पावर ज्यादा ले रहा है, इसके चलते बैटरी ज्यादा ड्रेन हो रही है और कैमरा यूज करते वक्त आपका नॉर्मल घर में टेम्परेचर है, पंखा चल रहा है, उस वक्त मोबाइल का टेम्परेचर जा रहा है 42 डिग्री, जो कि मेरे हिसाब से काफी घटिया है। एक दिन का इनिशियल इंप्रेशन है, 4-5 दिन यूज करूंगा उसके बाद भी बताऊंगा आपको कि क्या लग रहा है मुझे, कैमरा फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। नंबर 2 हम लोग बात करते हैं, हम लोग स्टिल अभी भी वाइडबैंड L3 पे ही है, मतलब हमारे डिवाइस पे अभी भी वाइडबैंड L1 स्विच नहीं हुआ है। जिनके डिवाइस में अभी भी वाइडबैंड L1 है वो काफ़ी अच्छी बात है। हमारा जो OS है उनके अंदर कुछ क्रैक टाइप का आ गया है, मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो उसी टाइप का चीज़ हमारे साथ हो गया है। मुझे लगता नहीं कि रियलमी कभी भी इस चीज़ को फिक्स करेगा, तो हमारे फ़ोन पूरी लाइफ के लिए अभी वाइडबैंड L3 ही रहने वाली है। इस वीडियो के लिए मैंने CPU का थ्रॉटल टेस्ट किया, मतलब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का थ्रॉटल टेस्ट किया Realme X2 में, और मुझे जो देखने को मिल रहा है ये प्रोसेसर अभी एकदम से स्टेबल नहीं है, मतलब इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है बहुत बेकार है और टेम्परेचर लगभग 43-44 ऐसा जा रहा था, मतलब काफ़ी खतरनाक कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। बात करते हैं Antutu बेंचमार्क की, Antutu बेंचमार्क आप लोगों के सामने है। ये मेरे डिवाइस में Antutu बेंचमार्क आई है जब मेरे 12GB या 13GB के आसपास स्टोरेज क्लियर रहता है। कभी बार बोलते हैं कि स्टोरेज ज़्यादा क्लियर रहेगी तो जो नंबर से वो बढ़ेगा, तो आप लोग स्टोरेज को ज़्यादा क्लियर करके चेक कर लेना आपसे मेरी जो है बढ़ रहा है कि स्कोर ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाय द वे स्टोरेज डिफरेंस में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब स्कोर की डिफरेंशिएट आता है, लाइक 8GB में अलग स्कोर आएगा, 4GB में अलग स्कोर आएगा, तो फिलहाल मेरा स्कोर कुछ ऐसा है। बात करते हैं रैम के बारे में, भाई रैम मैनेजमेंट का जो इशू है वो अभी तक नहीं गया है, 100% अभी तक नहीं गया है, क्योंकि अभी भी 1.7GB 1.8GB के आसपास मुझे फ्री देखने को मिल रहा है, कभी भी 1GB के नीचे नहीं गया अब तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अब तक 1GB के नीचे नहीं गया। तो मेरे हिसाब से ठीक है 1GB के नीचे नहीं जा रहा है, पर 1GB 1.28GB 1.30GB के आसपास फ्री रहता था 4GB के अंदर मेरे में ज़्यादातर केसेस में, पर अभी 1.7 1.8GB रह रहा है। हो सकता है Realme में 2.0 ज़्यादा स्टेबल नहीं है इसके लिए हो रहा है, पर मतलब उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, 2-3-4 एप्लीकेशन हो रहा है स्टोर हो रहा है, मतलब ज़्यादा इशू नहीं हो रहा है, पर अभी भी रैम मैनेजमेंट का इशू है। बात करते हैं चार्जिंग के बारे में, यस ये भी एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो भाई यहाँ पे मैंने सारे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, अब मेन बात करते हैं, मैंने 7% से चार्ज को लगाना स्टार्ट किया था, एक घंटे या दो तीन मिनट बाद मुझे 86% देखा या 87% देखा, तो मतलब मैं मान सकता हूँ एक घंटे में 80% चार्ज हो गया 30W के चार्जर के मदद से। यस मैंने 30W से ही चार्ज किया है, किसी दूसरे चार्जर से चार्ज नहीं किया है। 30W के मदद से मुझे जो कि देखने को मिला ये है लगभग 80% के आसपास। अभी लगा लो भाई, आप लोग अगर 100% करने जा रहे हो तो 1 घंटा 20 मिनट के आसपास भी लग सकता है, तो 100% तो करने से रही 86-87 मेरे हिसाब से क्वाइट इनफ है, मैं कभी 90 भी टच नहीं करता। बात करते हैं UI में लैग्स है क्या नहीं है, तो UI एकदम स्मूथ है, अच्छी बात है, मतलब कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो रहा है, ओपन करने में दिक्कत नहीं हो रही। कैमरा की एक अलग ही नशे है, वो अलग चीज़ है, बट बाकी सब चीज़ें काफ़ी क्लियर काम कर रहा है, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, तो मैं इसमें थम्स अप है, कोई शिकायत नहीं है मुझे।
बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। कॉल ऑफ ड्यूटी मेरे पास नहीं थी, पबजी का ग्लोबल वर्सन पड़ा हुआ है उसमें 60 FPS डाला हुआ है, उसमें मैंने खेला काफ़ी बुरी तरीके से, पागलों की तरह बैटरी ड्रेन हो रही थी। वो तो एक बात है, उनको साइड में रखते हुए मैंने कोई भी मतलब एरंगल वगैरह नहीं खेला, गोर्जिला वो सब नहीं खेला मैंने, बस नॉर्मली जो होता है टीम डेथ मैच उनको खेला 2-3-4 मैचेस के लिए, जो टेम्परेचर वो 42 के आसपास चला गया। और नहीं, ज़्यादा लैग फेज नहीं हुआ क्योंकि 60 FPS में खेल रहा था। हाँ, हो सकता है जो अच्छे चीज़ों को देख रहा हो कभी भी 47-48 तक गया होगा मतलब फ्रेम ड्रॉप्स, पर मेरे हिसाब से जो गेम प्ले था ठीक था। आप लोग थोड़ा सा पबजी को खेल के देख लेना कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है, कॉल ऑफ ड्यूटी को खेल के देख लेना। कॉल ऑफ ड्यूटी में ऐसा सच कोई मतलब डेथ मैच में नहीं आता, पर जाके उस बाद में जाके आता है, तो देखेंगे हम लोग आने वाले टाइम में क्या होता है। एक न्यू फीचर्स ऐड हुई है, अब तक मुझे एक ही न्यू फीचर्स के बारे में पता है। अगर आप सीरीज बार को स्वाइप डाउन करोगे तो आपको क्लियर ऑल के बटन के पोजीशन पे एक राउंड कलर का मतलब राउंड होता हुआ एक क्रॉस का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको प्रेस करने के बाद ही आपकी सारी नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात है, क्लियर ऑल पे भी टैप करना अच्छा था, ये भी टैप करना अच्छा था, तो ये एक न्यू फीचर्स ऐड हुआ है मान सकते हो, या चेंजेस रिप्लेसमेंट फीचर्स मान सकते हो। और किसी को कुछ न्यू मिला है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे तो अभी तक कुछ न्यू नहीं मिला। छोटा सा एक बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट भी हम लोग दे देते हैं। मैंने जैसे कहा 86% तक बैटरी को मैंने चार्ज किया था, उसके बाद यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। आपके सामने यहाँ पे जो कि बेसिकली सब कुछ है आप देख पा रहे हो स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं 27% तक जब तक मैंने फ़ोन को यूज़ किया हुआ है, अभी भी 27% के बाद से मैं ये बड़ा वीडियो बना रहा हूँ, मतलब यहाँ पे भी वही 27% के बाद से यूज़ हो रहा है और ऐसा ही लग रहा है। तो बेसिकली एक ही बात मैं अभी कहना चाहता हूँ आप लोगों को, 3 घंटा 30 मिनट मुझे यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला है, जो कि बुरा नहीं है। और मैं काफ़ी हैवी यूज़ कर रहा था, थोड़ा सा गेम भी खेल लिया मैंने, यूट्यूब भी यूज़ कर लिया, आपके सामने यहाँ पे आपके सामने पूरा यूजेज मैं दिखा रहा हूँ, आप यूजेज को देख लीजिए, कुछ ऐसा यूजेज मेरा था। तो भाई लोग इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा क्या ओपिनियन था वीडियो के पहले ही मैंने बता दिया, और स्टैट क्या था वो भी बता दिया। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ न्यू आपने ढूंढ के निकाला, कुछ न्यू बग्स हो रहा है आपके साथ, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं रियल में कम्युनिटी में इसके बारे में फीडबैक दे सकूं। तो भाई लोग इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा वीडियो अगर आप देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड बाय।